निर्माण मजदूर संघ और एक्ट टू की ओर से नव निर्वाचित पदाधिकारी की हुई बैठक, कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। भागलपुर पेंशनर कार्यालय में निर्माण मजदूर संघ और एक्ट टू की ओर से नव निर्वाचित पदाधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। इस दौरान मजदूरों की हालत और गरीब तबके के लोगों की हालत में किस तरीके से सुधार हो और वह भी अपनी भागीदारी समाज में दे सके, इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं लगातार बढ़ रही गरीबी को लेकर गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कदम को लोगों ने नाकाफी बताया। संघ के लोगों का कहना था कि एक तरफ जहां गरीबी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर अमीरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन गरीब लोगों को जो सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण गरीबों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ये निर्माण मजदूर और एक्ट टू AICCTU ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस और दोनों का संयुक्त रूप से सम्मेलन हो रहा है, जिला सम्मेलन है और जिला भर से चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं जो यूनियन के कार्यकर्ता हैं, वो सब जुटे हैं, महिला और पुरुष, और इसमें दोनों की भागीदारी है। महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा ही है, तो कम से कम ये खुशी की बात है कि महिलाएं इस तरह का सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव का दौर में जो है वो संगठित होकर के अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जमा हुई है। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि देश भर के गरीब लोगों का, बिहार के खास करके हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीरी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो समाज एक विभाजन के कगार पर है, गरीब अमीर का विभाजन होगा, लेकिन इसी को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। राम का मंदिर बने अथवा जो है देश के भीतर में और सत्ता का उलट पुलट करके अपना नया ध्रुवीकरण तैयार किया जाए, ये सब कोशिश हो रहा है, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं राम के आधार पर संगठित किया जा रहा है। जबकि जो भी संविधान और कानून बने हैं भारत में, कुछ दूर तक भारत को ले जाया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर, जहाँ बहुत सारे सुधार हुए, देखिएगा कल कारखानों का, उद्योगों का सार्वजनिकरण किया गया था, अभी तक बैंक का नेशनलाइजेशन, वो कोयला का नेशनलाइजेशन, वो जो है ये सब जो हुआ स्टील का नेशनलाइजेशन, तो एक तरह से सरकारी संपत्ति और उस संपत्ति पर जो है उसका उपयोग करने, विकास के काम के लिए सार्वजनिक अधिकार, ये सब चीज़ें बढ़ी थी कुछ दूर तक। हम ये नहीं मानते हैं कि समाजवाद की ओर चला गया था भारत, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार थे और आज भी उसका अवशेष दिखाई पड़ता है। आज हम यहाँ बाइक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अधिकार अंग्रेजों के राज में नहीं था, हमको अधिकार नहीं था कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे, खुला मीटिंग करके बुला करके लोगों को करेंगे, ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार उस युग में भी नहीं था जबकि राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था, उस समय भी नहीं था, दास युग में भी नहीं था, लेकिन इन सबसे आगे बढ़ते हुए भारत यहाँ पहुँचा था और इसका विकास भी होने लगा था, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का विकास के साथ साथ इसका भी विकास हो रहा था। अब कोशिश किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूंजी का जो एकीकरण हुआ है, वो अमेरिका का केंद्र करके, इस एकीकरण का जो दिशा अभी है वो फासिज्म की ओर जा रही है सीधा सीधी, क्योंकि अब जो है वो कानूनी अधिकारों से, लोकतांत्रिक अधिकारों से जब तक वंचित लोगों को नहीं किया जाएगा, तो तब तक अब पूंजी का वर्चस्व जो है कायम नहीं रहेगा या इससे आगे कम से कम नहीं बढ़ेगा, ये स्थिति आ गई है। तो ऐसी स्थिति में ये सम्मेलन हो रहा है और जगह जगह ही हम लोग जन अभियान चला करके लोगों को गोलबंद कर रहे हैं और लड़ेंगे इसके खिलाफ हम लोग, जीतेंगे भी, क्योंकि जनता गरीब जो है वो अब समझने लगे हैं कि हम कितना छले गए हैं, ठगे गए हैं, ये समझने भी लगे हैं, तो ये परिवर्तन आएगा, उस दिशा में जाने के लिए तैयारी है। हम जो है वो आर्यन ठाकुर बोल रहे हैं, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के जनरल सेक्रेटरी बिहार के और राष्ट्रीय सचिव, साथ ही साथ भारत सरकार के और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का। देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।